हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं फिर हाजिर हूँ नई रेसिपी लेकर, और आज मैं बनाने जा रही हूँ भिंडी गोश्त, वो भी थोड़े अलग तरीके से। और जल्दी में होता है हम कभी कभी, तो ये रेसिपी इसके लिए परफेक्ट है। मैंने एक कुकर ले लिया, उसमें गोश्त डाल दिया अच्छे से वॉश करके, 250 ग्राम गोश्त है ये। एक बड़े साइज़ का टमाटर ऐड कर दिया इसमें, 4 से 5 हरी मिर्च ऐड कर दी है। एक बड़े साइज़ का मैंने प्याज रफली चॉप कर दिया है। इसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें अदरक लहसुन पेस्ट 2 चम्मच, अब हम इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर 1.5 चम्मच, धनिया पाउडर 1.5 चम्मच, हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ले लीजिएगा। ऑयल ऐड कर देंगे अब हम इसमें, लगभग 1.5 चम्मच ऑयल है, 1/2 चम्मच। इसके बाद पानी ऐड कर देंगे हम इसमें गोश्त गलाने के लिए, लगभग 1.5 कप पानी है, 1/2 कप। मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 सीटी में गोश्त गल जाएगा। देखिए गोश्त गल चुका है 99%। अब बाकी की कसर हम इसको भूनने में पूरी कर लेंगे। ये भिंडियाँ हैं, मैंने 100 ग्राम भिंडी ली है, अच्छे से कट कर लिया, वॉश कर लिया। देखिए मेरा मसाला गोश्त के साथ अच्छे से भुन चुका है, बहुत ही अच्छे से भुनाई हो चुकी है। गोश्त अच्छे से भुन चुका है, अब इसमें मैं भिंडियाँ ऐड कर दूँगी। भिंडी ऐड करने के बाद थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे भिंडी गलाने के लिए और शोरबा रखने के लिए। 1 सीटी लेनी है, ज़्यादा नहीं, 1 सीटी में भिंडियाँ गल जाएंगी हमारी। सीटी आ चुकी है, भिंडियाँ गल चुकी हैं। अभी ऐसा होता है कि हम बहुत बिजी होते हैं और एकदम खड़े होकर खाना नहीं बना पाते हैं, तो ऐसे हम सालन को चढ़ाकर रख सकते हैं। ऐसे भी बहुत ही मज़े का सालन बनता है, एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये तरीका कैसा लगा। हरे धनिए से गार्निश कर दिया है मैंने, साथ ही थोड़ा सा पुदीना भी ऐड कर दूँगी मैं। अगर आपके पास नींबू हो तो नींबू भी ऐड कर दीजिएगा, और अच्छा फ्लेवर आएगा, हल्का सा खट्टा। मुझे नींबू पसंद नहीं है इसलिए मैंने नींबू ऐड नहीं किया है, आप नींबू भी ऐड कर दीजिएगा अगर आपको पसंद है हल्का सा खट्टापन खाने में। तो मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ आपको। फाइनली भिंडी गोश्त बनकर तैयार है, बहुत ही मज़े का बनता है, एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। और मेरे ये तरीके से बताइएगा कि आपको तरीका कैसा लगा। देखिए कितना मज़ेदार लग रहा है, खाने में भी बहुत ही मज़ेदार बनता है और देखने में भी बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए, बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्दी से मिलता रहे। मैं ऐसे ही सिंपल और इजी सी रेसिपीज आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँगी, तब तक के लिए।